हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल स्पोर्ट्स कीड़ा ई स्पोर्ट्स। मेरा नाम है लोकेश और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इन इंडिया। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया है टू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग, तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को। तो रिसेंटली ऑनलाइन गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स का मुद्दा उठाया गया था लोकसभा में और एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बीजेपी जिनका नाम है जगदम्बिका पाल। तो ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे। लाइक पहला क्वेश्चन था कि क्या गवर्नमेंट का कुछ ऐसा प्लान है टू इंट्रोड्यूस एनी गेमिंग और ई स्पोर्ट्स पॉलिसी इन दी कंट्री, अगर ऐसा है तो उनके डिटेल्स उन्होंने मांगे। और बाकी के क्वेश्चंस भी थोड़े ऐसे ही थे गेमिंग के रिलेटेड। एक क्वेश्चन ये था कि क्या गवर्नमेंट को कुछ अंदाज़ा है कि गेमिंग इंडस्ट्री का साइज़ या वैल्यू कितनी है। और एक क्वेश्चन तो ये भी था कि जो इलीगल गेमिंग होती है, मतलब जो ऑनलाइन इलीगल बेटिंग ऐप्स है और गैम्बलिंग ऐप्स है जिसमें लोग इतना ज़्यादा पैसा हार रहे हैं, उसके लिए उनके कुछ प्लान है उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के आंसर हुए थे 4 फरवरी को ये सारे क्वेश्चन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स। तो इनके आंसर्स हम ज़रा पढ़ते हैं कि क्या क्या, मतलब एक आपको कंक्लूजन बता दूंगा मैं कि इसमें इन्होंने बेसिकली क्या बोला है। तो पहली बात, मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि वो रिकग्नाइज करते हैं कि दैट देर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ यंग ई स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट इन द कंट्री। इसका ये मतलब हुआ कि उनको ये बात तो मालूम है कि बहुत सारे लोग ई स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसको एज अ करियर वो लोग परस्यू करना चाहते हैं, तो ये चीज़ का आइडिया है मिनिस्ट्री को। उन्होंने ये भी बोला कि उनको डिफरेंस पता है ई स्पोर्ट्स और आई गेमिंग के बीच में, तो जिसमें बोलते हैं कि लाइक एक स्किल बेस्ड होता है और दूसरा लक बेस्ड होता है, ऐसा मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पे बोली कि बहुत सारे ई स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं इंडिया में, लाइक द ESFI इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिर एक है ई स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिर एक और है ई स्पोर्ट्स इंडिया। उन्होंने बोला कि ये जितने एसोसिएशन्स है या फेडरेशन्स है, इसमें से कोई से भी एसोसिएशन रिकग्नाइज नहीं है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट बहुत क्लियरली दिया बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक ऑफिशियल ई स्पोर्ट एंटिटी है इंडिया में जो रिकग्नाइज है बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है। ये तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दे दिया मिनिस्ट्री ने। एस्टिमेट का क्वेश्चन जो था, थर्ड वाला क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि साइज और वैल्यू कितना है ई स्पोर्ट्स का या गेमिंग का, कि उन लोगों को कोई अंदाज़ा है, तो उनका बड़ा सिंपल सा आंसर था कि ऐसी कोई स्टडी कैरी आउट नहीं हुई है। तो बेसिकली अगर कोई बात पर रिसर्च होती है तो कुछ स्टडी बनती है जिसके बेसिस पे हमें डेटा मिलता है, राइट। तो ऐसी अभी कोई स्टडी है नहीं, ऐसा गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री का रिप्लाई आया है कि अभी तक ऐसी कोई स्टडी है नहीं कि जिससे वो एस्टिमेट कर सके कि कितनी ज़्यादा वैल्यू है ई स्पोर्ट्स की या गेमिंग की इंडिया में एट प्रेजेंट। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मिनिस्ट्री रियलाइज़ करता है कि बहुत ज़्यादा लोग ई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको एटलीस्ट एक आइडिया है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपना करियर बनाना चाहते हैं ई स्पोर्ट्स या गेमिंग के थ्रू। सो दिस इज़ एक्चुअली ए गुड स्टार्ट कि एटलीस्ट अगर उन लोगों को पता है कि हाँ देयर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, तो मे बी इन फ्यूचर वी माइट गेट अ फ्यू गेमिंग पॉलिसीज इन इंडिया, यू नो गेमिंग पॉलिसीज रेगुलेट हो सकते हैं, क्या पता है एक ऑफिशियल फेडरेशन बन जाए ई स्पोर्ट्स का, जैसे बाहर के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में है एक ई स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है उन लोगों का जो रिकग्नाइज होता है गवर्नमेंट में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में तो अभी तक है नहीं ऐसा कुछ। देखो ई स्पोर्ट्स कभी ना कभी रिकग्नाइज होगा हमारे कंट्री में, वी हैव टू जस्ट वेट फॉर दैट, एंड मेरे हिसाब से बहुत जल्दी होने वाला है ये। लाइक यू नो 2021 चल रहा है यार, लोग चेंज हो रहे हैं, लोग अभी अडेप्ट करने लग गए हैं, बिकॉज कभी ये गेमिंग वॉज नेवर टेकन सीरियसली इन आर कंट्री आई गेस, बट पास्ट फ्यू ईयर्स में ई स्पोर्ट्स और गेमिंग का इतना राइज हुआ है हमारे कंट्री में कि अब तो कोई इसको नज़रअंदाज कर नहीं सकता। तो आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, डू सब्सक्राइब एंड टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन। मैं मिलूंगा आपको अगली बार एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।